प्रदेश में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार में मौजूद पतंजलि योगपीठ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद पतंजलि के योगपीठ के योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि बाबा रामदेव के इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी शामिल हुए, जिन्हें बाबा रामदेव ने अपने हाथों से मिठाई बांटी। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में जश्न मनाया गया। देश भर में जगह जगह राष्ट्र ध्वज फहराया गया, साथ ही लोगों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। एक ऐसा ही कार्यक्रम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में आयोजित किया गया। पतंजलि योगपीठ में आयोजित इस कार्यक्रम में खुद योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। सुबह करीब 5 बजे से पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थी, जिसमें पतंजलि योगपीठ के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे खास बात ये रही कि बाबा रामदेव ने कई मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के बच्चों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया। तिरंगा फहराने के बाद बाबा रामदेव ने सभी को गणतंत्र दिवस और हमारे संविधान की अहमियत के बारे में बताया। 2021 में पतंजलि का बहुत बड़ा संकल्प है योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद शिक्षा क्रांति का। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका और 1835 में मैकाले ने जो इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारत की अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया था, हम सनातन और नूतन का संगम करके एक तरफ संस्कृत अनिवार्य होगी, हमारी संस्कृति हमारा योग और अध्यात्म बच्चे उसमें शिक्षित दीक्षित होंगे, तो दूसरी तरफ हम मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन और जितने भी वर्ल्ड की भाषा उन सबको सम्मान देंगे, लेकिन अपनी संस्कृत अपनी संस्कृति अपना वतन उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आने वाले समय में हजारों नहीं लाखों विद्यालयों को जोड़ना और विद्यार्थियों के मन में वो संस्कार डालना देशभक्ति के, जिससे वो विश्व में नए कीर्तिमान बना सकें, इस भारत को परम वैभवशाली बना सकें। मीडिया से बात करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वो आने वाले वक्त में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ेंगे। जिस तरह वो योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आए हैं, ठीक उसी तरह वो आने वाले वक्त में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएंगे, ताकि भारत और भी ज्यादा मजबूत हो सके। बाबा रामदेव ने योग समेत कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने कहा कि वो कामना करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा देश विश्व गुरु बनकर उभरे और देश में शांतिपूर्ण माहौल हो। हरिद्वार से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अर्चना ढींगरा की रिपोर्ट।